तो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जिसकी क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे कि अब आज के ज़माने में, लाइक 2024 आ चुका है, तो कौन सा सबसे अच्छा कंट्री है अगर आपको पढ़ने जाना है इंडिया से बाहर, या अगर आप पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में, तो कौन सा अभी सबसे अच्छा कंट्री है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करते होगे तो आपको बहुत सारी न्यूज़ सुनने को मिली होगी कि ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या रूल्स आ रहे हैं इमिग्रेशन को लेके, कि फ्यूचर में आपको वहाँ पे उसका पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा। या कनाडा को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कनाडा की बहुत सारी न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि रिसेंटली, जैसे मैं तो कनाडा में हूँ, तो रिसेंटली न्यूज़ आई है कि कनाडा में अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, या मतलब कि जो बच्चे आ रहे हैं, लाइक उनके अगर वो अपने हस्बैंड वाइफ को साथ में बुलाना चाहते हैं तो उनको मतलब कि वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा, या बहुत सारे मतलब रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। पीआर भी लेना अब मुश्किल हो रहा है। अगर आप बहुत सारी कंट्रीज़ की बात करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो वहाँ पे आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी कि पीआर लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अगर आप बाकी जगहों की बात करेंगे, जैसे जर्मनी है, तो क्या जर्मनी आपको जाना चाहिए, या आयरलैंड है ऑप्शन, वहाँ जाना चाहिए, न्यूजीलैंड है। तो कंट्रीज़ तो 6-7 हैं जहाँ पे मतलब कि स्टूडेंट्स मोस्टली जाते हैं पढ़ने। बट इन सब में अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा कंट्री आपको जाना चाहिए पढ़ने के लिए, अब मतलब अगर आप अब सोच रहे हो, अगर आपको आना है सितंबर में, जैसे जनवरी के 2024 के, या अगर आपको आना है अगले साल 2025 में, जनवरी में या मई में, तो अब कौन सा इन सब में अच्छा कंट्री रहेगा। तो इस टॉपिक पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपने चाहे कितनी भी वीडियोस देख ली हो यूट्यूब में, कोई कहेगा कि कनाडा मत आना। अगर आप कनाडा को फॉलो करते होंगे तो कोई बोलेगा कनाडा अब ख़त्म हो चुका है, कोई जॉब्स नहीं है, कोई मतलब कि यहाँ पे आने का फ़ायदा नहीं है। बट अगर आप फॉलो करते होगे ऑस्ट्रेलिया को, तो सिमिलर चीज़ आपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी सुनी होगी लोगों से जो यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं। अगर आप फॉलो करते हो यूके को, तो यूके में भी मतलब कि अभी 1-2 महीने पहले ऐसे रूल्स आए हैं जो कि स्टूडेंट फ्रेंडली रूल्स नहीं है। फ्यूचर में मतलब के अगर आप यूके जाओगे तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, या आपको पीआर लेना मुश्किल हो जाएगा, परमानेंट रेसिडेंसी। अगर आप यूएस आते हो तो यूएस की एक अलग कहानी है कि वहाँ पे तो ग्रीन कार्ड लेना ही इतना मुश्किल है, इतने सालों लग जाते हैं, 15-20 साल। और अब तो टेक्निकली बात करी जाए तो मतलब कि आपकी लिस्ट इतनी लंबी हो चुकी है कि आपको लाइफ टाइम, आपको अगर वो देखोगे ऑनलाइन तो वो आपका शो करेगा कि आपको 50 साल लगेंगे, 40 साल लगेंगे। ऐसे भी मेरे कुछ दोस्तों ने बताया जो यूएस में है, कि इतना लंबा प्रोसेस हो गया है, मतलब अगर आप सीधे रास्ते से चलोगे तो इतना लंबा प्रोसेस हो गया है यूएस में ग्रीन कार्ड लेने का। बाकी तो ऑप्शन है कि अगर आपका कोई वहाँ रिश्तेदार है, या अगर आप वहाँ शादी कर लेते हो यूएस में, तो वो सब तो ऑप्शन है। बट अगर आप सीधे रास्ते से चलोगे कि आपने पढ़ाई करी, फिर जॉब करी वहाँ पर, और आप कर रहे हो जॉब, तो फिर ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है, तो इतना आसान नहीं है यूएस में भी। तो अब इन सब में से मतलब सबसे अच्छा कंट्री आज के ज़माने में अभी कौन सा है, मतलब कौन सा, अगर आप सोचें कि मैं यहाँ पढ़ने चलता हूँ या यहाँ पे मैं जाऊँगा तो मेरे प्रॉस्पेक्ट्स फ्यूचर के अच्छे होंगे, जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे होंगे, तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि आज के ज़माने में अगर आप जॉब की बात करोगे ना, तो जॉब लेना आसान नहीं है। अब चाहे आप किसी भी कंट्री चले जाओ, और अगर आप किसी भी कंट्री की वीडियोस को फॉलो करते हो यूट्यूब पे, कनाडा की वीडियोस को फॉलो करते हो, या ऑस्ट्रेलिया की, या आयरलैंड की, तो हर वीडियोस में आपको एक सिमिलैरिटी मिलेगी कि वहाँ के जो यूट्यूबर्स होंगे, जैसे मैं भी यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ ये कनाडा से रिलेटेड, क्योंकि मैं कनाडा में हूँ, तो वह आपको ये सुनने को मिलेगा कि वो लोग ज़रूर ये बात ज़रूर करेंगे कि देखो यहाँ पर अब जॉब की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि ये फैक्ट है, आप चाहे दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाओ जॉब लेने के लिए, अब पहले का ज़माना अलग था, लेकिन अब ज़माना अलग है कि जॉब लेना आसान नहीं है, क्योंकि हर जगह इतना कंपटीशन हो गया है, इंडियंस अब हर जगह जा रहे हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी के फील्ड के हो, तो फिर आप सोचो कि आपको जो कंपटीशन है तो आपके अपने लोगों के साथ ही है जो इंडियंस हैं। अगर आप और दूसरी फील्ड में हो तो आपके वहाँ के लोग जो ऑलरेडी होंगे, जैसे कनाडा में अगर आप दूसरी फील्ड में हो, फॉर एग्जांपल आप एमबीए में हो, तो एमबीए में अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पढ़ के निकल रहे हैं वो बच्चे भी होंगे, आप इंडिया से आए हो वो बच्चे भी हैं, तो बहुत सारे कंपटीशन अब हो चुका है मतलब के। और जॉब्स ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत आसानी से मिल जाएंगी, जैसे पहले ज़माने में मिल जाती थी कनाडा का, मैं भी ये सुनता था कनाडा में पॉपुलेशन नहीं है और एम्प्लॉयर्स को मतलब लोग चाहिए, तो जॉब ईजिली मिल जाती थी, लेकिन अब जॉब्स नहीं मिलती हैं।
बट ये सेम चीज़ अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुनोगे ना, तो वहाँ पे भी ये होगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूँ, बट मुझे पता है, क्योंकि मैं अवेयरनेस तो रखता हूँ। आप भी अवेयरनेस रखो, या आपको अवेयरनेस होगी तो आपको भी पता लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी सेम सिनारियो है। आयरलैंड में मेरे दोस्त हैं, वहाँ पे मैं कॉल करके अपने दोस्तों से कभी बात करता हूँ, तो वो भी सेम चीज़ मुझे यही बोलते हैं कि अब वो वाली बात नहीं है, जॉब्स लेना बहुत मुश्किल है। तो ऑल इन ऑल, आप जब पढ़ने जाते हो किसी भी कंट्री में, तो आपका जो मेन टारगेट रहता है कि पढ़ाई के बाद जॉब लेना। तो अब जॉब लेना ही मुश्किल हो गया है, तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी कंट्री में मुझे पढ़ने जाना चाहिए? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप है ना, दो तीन चीज़ें देखो जहाँ पे भी आप पढ़ने जा रहे हो। दो तीन चीज़ें आप देखो, उसमें से सबसे पहली चीज़ है कि आपको पढ़ाई क्या करनी है, आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। आप वो पहले डिसाइड करो, ये मत सोचो कि कौन सी कंट्री पढ़ने जाना है, आप वो डिसाइड करो कि कोर्स कौन सा करने जाना है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कोर्स जो रहेगा, वो अगर आपने बैचलर्स कर लिया इंडिया में, तो आप मास्टर्स करने आओ, और अगर आपने इंडिया में अभी 12th में हो, तो सीधे बैचलर्स करने आओ, मतलब के यहाँ पे किसी भी कंट्री में, मतलब के। और अगर आपने बैचलर्स कर लिया तो मास्टर्स करने आओ। तो पहले तो कोर्स चूज़ करो अपना, प्लस मास्टर्स भी अपनी फील्ड में करने आओ। बहुत सारे लोग होते हैं, कोई सा भी कोर्स उठा के यहाँ पे कनाडा में या बाकी कंट्रीज़ में चले जाते होंगे पढ़ने के लिए। अपनी फील्ड से रिलेटेड कोर्स करने आओ, और आने से पहले ये ज़रूर आप चेक करो हर कंट्री का, मतलब कि उसकी वेबसाइट पे जाके, कि जॉब के सिनारियो क्या है, आजकल के ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर मैं ये चीज़ पढ़ाई करने गया उस कंट्री में, तो क्या ये वाली जॉब्स अवेलेबल हैं उस कंट्री में? आज के टाइम में देखो, बहुत सारी जॉब की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे डाल के देखो कि कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, मतलब कि उस हिसाब से आपको पता लगेगा कि आपकी भी मतलब पढ़ाई के बाद जॉब लगने के चांसेस हैं कि नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप ये देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि जॉब्स तो हर कंट्री में है। अब फिर डिपेंड करता है कि आपने अपनी स्किल्स किस तरह से बनाई हुई हैं, स्किल अपने रेज्यूम में अपनी स्किल्स क्या दिखाई हैं, आपको कितनी चीज़ें आती हैं जब आपका इंटरव्यू होगा, तो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो आप ये मत सोचो कि कोई कंट्री आप चूज़ कर रहे हो कि नहीं, अब ऑस्ट्रेलिया में बहुत मुश्किल हो गया पीआर लेना तो अब मैं कनाडा चलता हूँ, या कनाडा में बहुत मुश्किल हो गया पीआर लेना तो अब मैं आयरलैंड चलता हूँ, आयरलैंड में बहुत मुश्किल हो गया अब मैं यूके चलता हूँ। हर कंट्री में अब चीज़ें मुश्किल हो गई हैं, पीआर लेना मुश्किल हो गया है, तो चीज़ें आसान नहीं है पहले की तरह। तो आप बस अपनी स्ट्रेंथ देखो कि आपके अंदर अपनी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या चीज़ आप पढ़ सकते हो, किस में चीज़ एक्सेल कर सकते हो, वो चीज़ देखो, और उस चीज़ से रिलेटेड जॉब्स आप देखो, किस कंट्रीज़ में जॉब्स ज़्यादा अवेलेबल हैं उस चीज़ से रिलेटेड जो आप पढ़ने जाना चाहते हो, तो उस कंट्री में आप जाओ। बाकी सारे कंट्रीज़ अच्छे हैं, कोई कंट्री ऐसा नहीं है कि ये सारे कंट्री वेस्टर्न कंट्री हैं, इंग्लिश कंट्री हैं। आप ऑस्ट्रेलिया देख लो, न्यूजीलैंड देख लो, कनाडा, यूके, आयरलैंड, सब इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, मतलब कि वो सब अच्छे कंट्री हैं। किसी में कुछ अच्छा ही है, किसी में कुछ बुराई है, किसी में दूसरी अच्छा ही है तो उसमें दूसरी बुराई है, सब लेकिन कंट्रीज़ अच्छे हैं। कहीं का भी आप पीआर लो, सब अच्छे हैं। बट फिर भी जो टॉप प्रायोरिटी में मैं आपको बता दूँ, तो आप अपनी टॉप प्रायोरिटी में आज भी कनाडा को रखो, ऑस्ट्रेलिया को रखो, न्यूजीलैंड को रखो और आयरलैंड को रखो। ये चार कंट्री आप अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखो। US को सेकंड प्रायोरिटी में रखो और UK को भी सेकंड प्रायोरिटी में। जर्मनी को थर्ड प्रायोरिटी में रखो। जर्मनी को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे लैंग्वेज का इशू आता ही आता है, तो ऐसा नहीं है कि जर्मनी में जॉब्स बोलेंगे लोग कि लग जाती है, लग रही है, तो हाँ लग जाती होगी वहाँ पे भी सब कुछ वैसे ही होगा जैसे इन कंट्रीज़, बाकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में, बट वहाँ पे लैंग्वेज का है। अगर आप लैंग्वेज सीख गए तो आपको कोई फिर तो आपकी जॉब लगी जाएगी, आपने स्किल्स तो आपके पास हैं, आपकी जॉब लग जाएगी। बट अगर आपने लैंग्वेज नहीं सीखी तो फिर तो आपको कंट्री छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज के बिना जर्मनी में कुछ नहीं है। ये मत सोचना कि इंग्लिश के बेसिस पर मैं चला लूँगा, ये मत सोचना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जर्मनी को थर्ड प्रायोरिटी पर रखो, यूके और अमेरिका को सेकंड प्रायोरिटी पर रखो, फर्स्ट नंबर पर आज भी कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, आयरलैंड को, ये चार कंट्रीज़ को नंबर वन प्रायोरिटी में रखो। और जो कि मैंने बताया कि आप अपनी स्किल के हिसाब से देखो, अपनी फील्ड के हिसाब से देखो, और जॉब्स आपकी किस कंट्री में सबसे ज़्यादा हैं और कहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे ये कोर्स यूनिवर्सिटी में अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई भी कोर्स देखा यूनिवर्सिटी में, तो वो कोर्स आपको ज़्यादा अच्छा लगा कि दूसरी कंट्री में सेम कोर्स, उसका कोर्स आपने देखा यूनिवर्सिटी का, वो इतना अच्छा नहीं है, तो आप उसमें जाओ जिस यूनिवर्सिटी में आपको कोर्स पसंद आया है। तो इस तरह से आप डिसाइड करो कि आपके कौन सी कंट्री आपको जाना है। इस बेसिस पे डिसाइड मत करो कि उठा के बस आपने यूट्यूब में वीडियोस खोली, किसी ने बुराई कर दी कनाडा की, तो आप कनाडा का प्लान आपने ड्रॉप कर दिया
और ऑस्ट्रेलिया चले गए या आयरलैंड चले गए, या आयरलैंड की वीडियोज़ आप फॉलो करते हो तो आयरलैंड में किसी ने उसकी आयरलैंड की बुराई कर दी तो आप वो प्लान आपने ड्रॉप कर दिया और फिर आप आ गए कनाडा, वो सब चीज़ें मत देखो, आप अपनी स्ट्रेंथ देखो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस हिसाब से चीज़ें डिसाइड करो। बाकी तो जब आप यहाँ पे किसी भी कंट्री में आओगे, पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे पढ़ाई में और अपनी स्किल्स डेवलप कर लोगे, प्रैक्टिकल स्किल्स, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पढ़ाई वाली स्किल्स, एक होती हैं प्रैक्टिकल स्किल्स कि कंपनीज में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो उनको क्या चाहिए, क्या वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो क्या किस सॉफ्टवेयर्स पे वो काम करते हैं, तो वो सब चीज़ें पहले से ही आप सीख के रखो अपनी पढ़ाई के दौरान, तो वो जब इंटरव्यू आप देने जाओगे तो आपकी जॉब क्यों नहीं लगेगी। इंडिया में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप अगर किसी अच्छी जॉब में जाओगे भी तो वो कहेंगे कि 5 साल का एक्सपीरियंस हमें चाहिए, 10 साल का हमें एक्सपीरियंस चाहिए। आप बोलोगे मुझे तो अभी 1 साल का ही एक्सपीरियंस है, मैं कहाँ से लाऊंगा 10 साल का एक्सपीरियंस। बड़ी जो इंग्लिश कंट्रीज़ है ना, इनमें आज भी फ्रेशर्स की जॉब अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो लग जाती है, ये 1 साल 2 साल के एक्सपीरियंस वालों की जॉब भी लग जाती है, बिकॉज वो देखते हैं कि आपके अंदर टैलेंट कितना है। आपकी इंटरव्यू लेंगे तो आपका वो देखेंगे कि आपके अंदर स्किल्स है कि नहीं है। बाकी सीखना तो आप सीख ही जाओगे, 1-2 महीने आप ऑफिस में काम करोगे तो वो सीख जाओगे, बट आपके अंदर वो सीखने की कैपेबिलिटी है वो टेस्ट इंटरव्यू में आपको कर लेंगे, तो आपको उस तरह से अपने आप को बनाना है। तो इसलिए अगर आपको अब जनवरी चल रहा है 2024 का, तो अब आपको ये क्वेश्चन है कौन सी कंट्री आपको जाना है, तो वो छोड़ो आपको कौन सी कंट्रीज जाना है, आप अपनी कोर्स ढूंढो, किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स है वो कोर्स देखो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी सर्च करो हर एक कंट्री की जो मैंने बताई है अभी, और उसमें डिसाइड करो कि कौन सा कोर्स आपको पसंद आ रहा है, तो आप उस कोर्स को देखते हुए उस कंट्री में जाओ और फिर उस कंट्री में जाके अपना फ्यूचर बनाओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बस लाइक कर देना वीडियो को, एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।